हेलो दोस्तों, वी एंड वी टेक्निकल एजुकेशन में स्वागत है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो अपने एग्ज़ाम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनर की, उसके अंदर 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताना, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और किसी प्रकार का डाउट हो तो भी पूछिए, आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में अपने हर रोज कम्युनिटी टैब के ऊपर एक क्वेश्चन करता हूँ, उसका आंसर उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे अपने अप्लाई देते हैं आपको वीडियोज के रूप में। न्यूमेरिकल ज़्यादा रहते हैं उसके अंदर, न्यूमेरिकल सीरीज ही है वो जो कम्युनिटी टैब पे अप्लाई करता हूँ मैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, अभी देखेंगे 10 क्वेश्चन होते हैं या 15 होते हैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना 30 कंप्लीट कर लिए थे। इसके अंदर पूछा था अभी दिए गए एम्पलीफायर के लिए अपने पास कलेक्टर करंट क्या होगा। तो कलेक्टर के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर वोल्टेज दिखा रखी है, और इसका रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस लगाएंगे तो अपने की धारा धारा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, कलेक्टर अमीटर वोल्टेज 2 से 10 वोल्टेज तक बढ़ने पर, पहले 2 था, 2 से 10 वोल्टेज तक बढ़ने पर यदि ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर हो जाती है तो उसका आउटपुट रेजिस्टेंस ज्ञात करें। इसके लिए क्या है कि जो अपने पास ये कलेक्टर वोल्टेज है इसमें इंक्रीज कितना होगा, 10 वोल्टेज तक बढ़ता है, पहले कितनी वोल्टेज थी, 2 वोल्टेज, तो वोल्टेज अपने को मिली कितनी, इंक्रीमेंट कितना हुआ 8 वोल्टेज का, 8 वोल्टेज बढ़ी है। पहले धारा का मान था 2 मिली एम्पीयर, उसके बाद में 3 मिली एम्पीयर हो गया, तो धारा का मान बढ़ा 1 मिली एम्पीयर। ओके, धारा का मान 1 मिली एम्पीयर, तो आपने 8/ में मिली के अंदर है तो मिली की संख्या को डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाकर किलो की हो जाएगी। इसका मतलब है 1 × 10 की पावर -3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 3, और 1 को डिवाइड करेंगे 1, यानी कि 8 किलो ओम्स। ओके, और आंसर रहेगा अपने 31 का डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट वाली संभावना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, बेस सप्लाई वोल्टेज VBB का निर्धारण करें जो ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में रखता है, संतृप्ति अवस्था में रखता है, और बीटा अपने पास जो है वो है 200। डिटरमाइन द बेस सप्लाई वोल्टेज VBB दैट पुट द ट्रांजिस्टर इनटू सेचुरेशन टेकन बीटा 200। ओके, सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं कलेक्टर वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्टेज और रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम का। ओके, तो ये कलेक्टर धारा के मान कितना होगा, आई सी वैल्यू रहेगी अपने पास, आई सी की वैल्यू रहेगी वी सी कलेक्टर वोल्टेज और आर सी, तो अपने पास धारा का मान हो जाएगा 2 किलो ओम, 2 × 10 की पावर 3 अपॉन में, अच्छा ओके 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 सॉरी, 2 तो रेजिस्टेंस है यार, अपने लगाना है 10 वोल्टेजेस अपॉन में 2 किलो ओम, 2 × 10 की पावर 3। ओके, तो 0 से 0 निकल जाएगा, यहां पर नीचे बचेगा 10 की पावर 2, तो 1 अपॉन में 200। ओके, तो ये मान आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 और 0 लगाएंगे तो 0, और फिर 0 लगाएंगे तो 0 आएगी, और ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, और अपने पास इस टाइम वैल्यू क्या है, किलो का डिवाइड, किलो से डिवाइड किया है तो वो ऊपर जाकर मिली में हो जाएगा, यानी कि अपने पास धारा का मान आया 0.005 मिली एम्पियर्स के अंदर। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है, अब चलते हैं आगे।
बीटा का मान आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अल्फा का मान बताया, अल्फा रहता है कॉमन बेस, बीटा रहता है कॉमन अमेटर और गामा रहता है कॉमन कलेक्टर। ओके, बीटा इज इक्वल टू अपने माने तो बीटा रहता है कॉमन अमेटर्स का इज इक्वल्स टू आउटपुट अपने पास क्या रहेगा आई सी और इनपुट रहता है आई बी। इसे लिख सकते हैं एल्फा अपॉन में वन माइनस एल्फा। ओके, तो अभी अपने ये वैल्यू लिखेंगे, बीटा अपने पास 200 है इज इक्वल टू बीटा 200 आ गया। कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी है, कलेक्टर करंट आपने क्या किया है 0.005 मिली एम्पियर्स। वापिस देख लेते हैं मिली एम्पियर में वैल्यू राइट है, 10 वोल्टेज है, 2 किलो ओम से डिवाइड किया तो ऊपर जाकर मिली एम्पियर का। ओके, ऊपर जाकर हो जाता मिली एम्पियर्स का। तो 10 के अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 5 मिली एम्पियर्स की। ओके, ये वैल्यू जो है ये नॉर्मल धारा है, मिली एम्पियर्स के अंदर इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, थोड़ा ध्यान नहीं दिया आपने, तो ये वैल्यू है मिली एम्पियर्स में, 5 मिली एम्पियर या 0.005 एम्पियर कहेंगे। ओके, वापिस आपने देख लिया तब सही रह गया क्वेश्चन। अभी अपने देखेंगे बी आई जो कलेक्टर करंट है वो है 5 मिली एम्पियर्स, 5 मिली एम्पियर्स। ओके, अपॉन में अपने पास बेस करंट है, बेस करंट आई बी, और ये अपने को फाइंड आउट नहीं है। ओके, तो अपने बेटा बेस करंट को बीटा के स्थान पर, बीटा को बेस करंट के स्थान पर, तो 5 अपॉन में 200, तो 1 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1 अपॉन में 40 इज इक्वल टू, पॉइंट लगाया 0, 0 लगाया 0, और ये आएगा 2.5, 0.025। ओके, ये अपने पास वैल्यू कौन सी है, मिली एम्पियर है या एम्पियर है, तो ये अपने पास पहले मिली एम्पियर था और अभी भी मिली एम्पियर है। यहाँ पर आपने जो 2000 ये वैल्यू यूज कर ली किलो की, तो फिर मिली एम्पियर में कैसे आएगा। ओके, इसीलिए अपने पास आ गया यहाँ पर मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर में बेस करंट मिल गया अपने को और बेस का रेजिस्टेंस अपने पास कितना है 50 किलो ओम का, तो अपने पास वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज रहता है आई गुणा आर। करते हैं, धारा का वैल्यू है 0.025 गुणा 50 किलो ओम। ओके, किलो को नहीं लिखेंगे, इधर मिली है, मिली की वैल्यू रहती है 10 की पावर -3 और किलो की रहती है 10 की पावर 3। मिली से किलो किया तो अपने पास 0 एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। ओके, तो अभी अपने लिखते हैं इसके अंदर पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो अपने 3 जीरो लगा देते हैं नीचे। ओके, 1 जीरो से 1 जीरो, 25, 25 125। ओके, तो यहाँ पर 2 संख्या है तो ये आ जाएगा 1.25, 1.25 अपने पास क्या है वोल्टेज है। और अभी ये ट्रांजिस्टर जो क्या है, अपने ट्रांजिस्टर को नहीं दिया, ट्रांजिस्टर के वैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांजिस्टर हो गया बीजेटी जो भी हो, लेकिन उसके अंदर पहली जो अपने लिखते हैं जैसे BC 527, तो पहला जो अंक है वो सामग्री और सेकेंड अंक जो है जो अल्फाबेट है वो अपने बताता है कि ये इसका यूजर क्या है, यूज क्या है, उपयोग क्या है मतलब। तो पहला जो अंक रहता है ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी गैलियम आर्सेनाइड, डी गैलियम फास्फेट, आर गैलियम सल्फाइड। ओके, ए हाई स्पीड डायोड, बी वेरिएबल कैपेसिटेंस, सी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी नॉट पावर ट्रांजिस्टर, डी अपने पास रहता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर ट्रांजिस्टर और इंटरनल डायोड, एफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी विद नॉट पावर ट्रांजिस्टर, और ओ पी क्यू अपने पास रहते हैं, ओ अपने को रेडिएशन सेंसिटिव रहता है, फोटो कपलर रहता है, पी अपने पास रहेगा रेडिएशन सेंसिटिव, और जो क्यू रहता है वो रेडिएशन जनरेशन रहता है, आर एस टी स्विचिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए, वही रेक्टिफायर और जो जनरेटर। आप याद करना, आपको बारी बारी मैं बोलूंगा उतनी ही बार आपको याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी अपने पास अपन बताया नहीं भी ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, तो अपने इसको सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मानते हैं। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो रहता है ये जर्मेनियम की तुलना में हाई टेम्परेचर वर्क कर सकता है। जैसे जर्मेनियम का जो ट्रांजिस्टर रहेगा वो करेगा 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक, 80 डिग्री सेल्सियस, और बात करें सिलिकॉन के लिए तो ये 250
एक रिसर्चर तक वर्क कर सकता है, इसीलिए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अपने मानते हैं। तो 1.25 अपने पास वोल्टेज आ गया। ओके यहाँ पर लिखते हैं 1.25 अपने को वोल्टेज मिल गया। यहाँ पर कलेक्टर के बेस की धारा ज्ञात कर ली यहाँ से ये वाले, और बेस का रेजिस्टेंस लगाया तो अपने को मिला 1.25 वोल्टेज। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मानते हैं 0.07 से एड कर देंगे और ये अपने को मिलेगा 1.95। ऑप्शन नंबर रहेगा अपना ए। कोई प्रकार का डाउट हो तो आप बता देना। अभी अपने देखते हैं, आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं। सबसे पहले अपने कलेक्टर करंट ज्ञात किया, कलेक्टर के अंदर वोल्टेज है 10 वोल्ट, 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 10 के अंदर 2 से भाग करेंगे तो किलो की वैल्यू ऊपर जाकर मिली में हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास करंट आया 5 मिली एम्पियर। ओके बीटा आपको एल्फा बताया, एल्फा होता है कॉमन बेस, कॉमन बेस इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई ई, और बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। बीटा जो रहता है, बीटा होता है कॉमन अमीटर इज इक्वल टू आई सी अपॉन में आई बी इज इक्वल टू एल्फा अपॉन में 1 माइनस एल्फा। गामा के लिए कॉमन कलेक्टर इज इक्वल टू आई ई अपॉन में आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। जो अपने पास एल्फा रहता है, ये एल्फा लगभग यूनिटी के आसपास रहता है। ओके आसपास रहता है बट नॉट यूनिटी, हो सकता है यूनिटी रियर केस में, लेकिन अपने से एल्फा प्लस, अगर अपने नहीं वैल्यू एक्चुअल ज्ञात कर सकते, अपने नहीं मानते यूनिट है या कितना है, तो एल्फा प्लस बीटा कर लो एक ही बात है, या 1 प्लस एल्फा 1 प्लस बीटा। ओके तो अपने पास वैल्यू आ गई यहाँ पर, बीटा इज इक्वल टू कॉमन एमिटर आई सी अपॉन में आई बी कर दिया। ओके तो अभी अपने को आई सी का मान ज्ञात था 5 मिली एम्पियर, बीटा 200 है, बेस करंट को यहाँ पर भेजेंगे और बीटा को इधर लेके आएंगे, तो ये अपने को मिलेगा कुल मिलाकर 0.025। क्या रहेगा, क्या होगा, मिली एम्पियर। ओके धारा आगे बेस करंट, क्योंकि बेस करंट तो ज्ञात करिए, बेस करंट को बीटा के स्थान पर भेज दिया, बीटा को यहाँ पर। उसके बाद में अपने को ये मिला। अब बेस के अंदर अपने को पता है भी करंट अपने को मिल गया, रेजिस्टेंस अपने पास पास 50 किलो ओम का है, तो धारा गुणा रेजिस्टेंस रहता है अपने पास वोल्टेज 1.25 है, इसे मल्टीप्लाई करने से। और जो अपने ट्रांजिस्टर को मान नहीं बता रखा भी कौन सा ट्रांजिस्टर है, जर्मेनियम का है या सिलिकॉन का है या गैलियम आर्सेनाइड का है या गैलियम फास्फाइड का है या कैडमियम सल्फाइड का है, तो अपने इसको नहीं बताया तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मानते हैं। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर 75 से 80 डिग्री सेल्सियस तक और सिलिकॉन 250 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करते हैं, इसीलिए अपने पास रहेगा सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए कट ऑफ जो अपने फॉरवर्ड जो वोल्टेज ड्रॉप रहती है वो 0.7 होती है, तो 0.7 को ऐड करेंगे तो अपने 1.95 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, इज इक्वल टू वेरी करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 33। यदि फीडबैक और फीडबैक अंश के बिना वोल्टेज लाभ, अभी ये कह रहा है बिना, विदाउट फीडबैक के लिए लिखते हैं एवी, और फीडबैक के साथ रहेगा तो ये हो जाएगा एमवी। ओके तो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक के साथ लाभ कितना होगा, तो अभी अपने इसको ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए रहता है एवी अपॉन में 1 प्लस एवी एमवी। ओके यही फॉर्मूला है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के आधारित आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन के फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको आता है फॉर्मूला तो आप उससे अगले वाले क्वेश्चन का उत्तर निकालो। क्वेश्चन नंबर 34, टाइपिंग किए मैंने तो मेरे को पता है, बिना फीडबैक के एम्पलीफायर का करंट गेन 240, बिना फीडबैक के, तो अपने लिखेंगे एवी अपॉन में 1 प्लस एवी एमवी। एवी अपने पास है विदाउट विद आउट फीडबैक और एमवी फीडबैक के साथ, तो 240 दिए अपने, 240 अपॉन उसमें 1 प्लस 240
गुणा 0.015 आंसर आ गया। यहाँ पर पॉइंट के बाद में तीन संख्या है तो ऊपर 3 जीरो लगा देंगे। ओके, अभी इसका सोल्यूशन करते हैं। ये जीरो हट गई, अभी 0 से 0 निकाल दिया। 15 चौक 60, 6 आया, 15 दो 30, 30 और 6 36। ओके, 0 से फिर 0 डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर 12 से डिवाइड हुआ, 12 36 और 12 चौक 12 दो 24 और 0 का 0। ओके, तो अपने पास मिला 20 गुणा 10 यानी कि 200, 200 आया, और यहाँ पर 3 और 1 आएगा 4। इसको 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने की बजाय अपने ये इसको सीधा ही कैलकुलेटर से करो, या आप करो, यहाँ पर 240 अपॉन में 1 प्लस 240 गुणा 0.015, सीधा कैलकुलेशन करो। पॉइंट मत हटाओ, पॉइंट हटाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वैसे कुछ हुआ है इसके अंदर। 240 गुणा 0.015 इज इक्वल्स टू 3.6 प्लस 1, 4.6। तो अपने पास है 240 अपॉन में 4.6, तो ये 52.17, 52.17 ऑप्शन नंबर रहेगा अपना ए। ओके, अपने इनको मल्टीप्लाई करके पहले प्लस करना था, उसके बाद में डिवाइड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 का रहेगा अपने पास ए। फॉर्मूला है विदाउट फीडबैक अपॉन में 1 प्लस विदाउट फीडबैक प्लस फीडबैक के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर है अपने पास, जेएफईटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जेएफईटी। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का पूरा नाम है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, ये जो है यूनिपोलर रहता है। अब यूनिपोलर के अंदर क्या क्या है? एफईटी भी है, जेएफईटी तो आपने फुल फॉर्म लिख ही दी इसके आगे। मॉस्फेट भी यूनिपोलर रहता है। मॉस्फेट जो होता है, ये ये मॉस्फेट मॉस्फेट डीसी डीसी करंट करंट को को बाई बाई डायरेक्शनल डायरेक्शनल फ्लो फ्लो करवा करवा सकता सकता है। है। ओके, ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन आया आया था था यूपीसीएल यूपीसीएल में, में पहले पहले देखा देखा था था मैंने मैंने एग्जाम, एग्जाम, तो तो बाई बाई डायरेक्शनल डायरेक्शनल करंट करंट फ्लो फ्लो करवा करवा सकता सकता है, है, गेट गेट में वृद्धि वृद्धि मोड मोड के के साथ साथ ऑपरेट ऑपरेट किए किए जा जा सकते सकते हैं। हैं। यूनिपोलर यूनिपोलर है है तो तो अपने अपने पास पास गलत गलत स्टेटमेंट स्टेटमेंट पूछ पूछ रहा रहा है है, यही यही है है द्विध्रुव। द्विध्रुव। बाइपोलर बाइपोलर नहीं नहीं रहता, रहता, बाइपोलर बाइपोलर रहता रहता है है अपने अपने पास पास बीजेटी, बीजेटी, बाइपोलर बाइपोलर जंक्शन जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। ओके, ओके, और और ये ये इनपुट इनपुट धारा धारा उत्क्रम उत्क्रम पूर्वाग्रही पूर्वाग्रही है, है, इट्स इट्स इनपुट इनपुट सर्किट सर्किट इज इज रिवर्स रिवर्स बायस्ड। बायस्ड। ओके, ओके, यह है यह है वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड है, है, वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोल कंट्रोल ही ही जेएफईटी जेएफईटी है, है, एफईटी एफईटी भी भी वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोल कंट्रोल है है, और और मॉस्फेट मॉस्फेट भी भी वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोल कंट्रोल है। है। इसका इसका सोर्स सोर्स पर पर बहुत बहुत यानी यानी कि कि नॉइज नॉइज लेवल लेवल वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल रहता रहता है। है। ओके, ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 35 35 में में आंसर आंसर रहेगा रहेगा अपने अपने पास पास ए। ए। देखते हैं इसके अंदर जो जो मॉस्फेट मॉस्फेट है है अपना, अपना, इसका इसका यूज यूज अपने अपने लेते लेते हैं हैं टीवी टीवी रिसीवर रिसीवर में, में, ओसिलेटर ओसिलेटर में, में, टीवी टीवी रिसीवर रिसीवर ओसिलेटर ओसिलेटर में, में, कंप्यूटर कंप्यूटर मेमोरीज मेमोरीज में, में, कंप्यूटर कंप्यूटर मेमोरीज मेमोरीज में में लेते लेते हैं। हैं। ओके, ओके, एफईटी एफईटी सीएनसी सीएनसी मशीनों मशीनों ऐसे ऐसे स्थानों ऐसे स्थानों पर पर यूज यूज किया किया जाता जाता है है एफईटी एफईटी का। का। एफईटी एफईटी जो जो रहती रहती है है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या या होल होल में में से से किसी किसी एक एक के के कारण कारण करंट करंट फ्लो फ्लो करता करता है। है। ओके, ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर देखते देखते हैं। हैं। 36 36 वेट वेट कर कर रहा रहा है है अपना अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन। एफईटी एफईटी में में न्यूनतम न्यूनतम ड्रेन ड्रेन सोर्स सोर्स वोल्टेज वोल्टेज जिस जिस पर पर ड्रेन ड्रेन धारा धारा अनिवार्य अनिवार्य रूप रूप से से स्थिर स्थिर हो हो जाती जाती है, है, इसे इसे किस किस रूप रूप में में जाना जाना जाता जाता है? है? ड्रेन ड्रेन धारा धारा स्थिर स्थिर होगी, होगी, रुक रुक गई। गई। ओके, ओके, तो तो आपको आपको पहले पहले ही ही बताया बताया था था बी, बी, जब जब सोर्स सोर्स से से लिख लिख देता हूँ, जब जब
सोर्स से ड्रेन की ओर। धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो गेट के ऊपर रिवर्स बायस में अप्लाई किया गया वोल्टेज का वह अधिकतम मान जिस पर एफटी में सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित होने वाली धारा 0 एम्पियर्स तक पहुंच जाती है। यानी कि जब एफटी के अंदर सोर्स से ड्रेन की ओर करंट नॉर्मल कंडीशन में फ्लो कर रहा है तो गेट के ऊपर रिवर्स बायस में अप्लाइड वोल्टेज का वह मान जिसके ऊपर सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 एम्पियर तक पहुंच जाता है उस गेट वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा अपने पास। ओके, पहले ही दो तीन बार एक बार आपको बता दिया, दूसरी बार अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन आ गया पिछली बार बताया तो। अभी क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। एफटी के कंटिन्यूसली हाई से हाई लेवल की एक जेएफटी में निम्नलिखित पैरामीटर आईडीएसएस सोर्स से ड्रेन की ओर प्रवाहित होने वाली धारा का आईडीएसएस सोर्स से ड्रेन की ओर सोर्स टू ड्रेन लीकेज करंट। ओके, आईडीएसएस वीजीएस क्या है? गेट से सोर्स वोल्टेज, वो भी पिंच ऑफ वोल्टेज। वीजीएस ऑफ लिखे आ गया तो इससे सोर्स से नहीं गेट से सोर्स की और पिंच ऑफ वोल्टेज और वीजीएस वोल्टेज जो है वीजीएस गेट टू सोर्सेस गेट टू सोर्सेज वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं। यानी कि गेट और सोर्स के बीच में जो अपने पास वोल्टेज की वैल्यू है। अभी अपने इसको मान को ज्ञात करते हैं, हटाते हैं पहले तो इसको। आई डी पैरामीटर्स अपने ज्ञात करना है तो आई डी एस एस ब्रैकेट में 1 माइनस वी जी एस अपॉन में वी जी एस ऑफ ओके का होल स्क्वायर करेंगे। करो होल स्क्वायर, करो क्या देखते हैं। वी आई डी एस एस का मान जो है यानी कि सोर्स से ड्रेन की ओर जो करंट लीकेज करंट है उसकी वैल्यू है ये 32 मिली एम्पियर्स। ओके, तो अपने लिखेंगे 32 × 10³ ब्रैकेट्स में वैल्यू पुट करेंगे। वीजीएस का मान है 1 माइनस वीजीएस है 4.5 मिली, कुछ नहीं लिखा 4.5 अपॉन में 8। करते हैं सॉल्यूशन इसका। करो आप हाथ से करो, मैं कैलकुलेटर से करता हूं। चलो हाथ से मैं करता हूं। 1 के अंदर 1 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 1 ही मिलेगा। 4.5 × 8 एलसीएम अपने पास आएगा 8। 1 से डिवाइड करेंगे 1, 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8,
एट माइनस और 4.5, तो अपने पास आएगा 3.5, 3.5 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर मोबाइल से करना पड़ेगा, 3.5 का होल स्क्वायर तो 12.25, 12.25 ओके, अपॉन में 8 का रहेगा 64, तो इसका होल 64, तो इसका स्क्वायर करेंगे अपने इज इक्वल्स टू अपॉन में 64 ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आएगा 0.0366, इसका मान आएगा 0.0366, इसका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है ओके, इज इक्वल्स टू गुणा करेंगे अपने 32 मिलियन एम्पीयर के साथ, 32 ये वैल्यू अपने पास पीछे, हाँ 32 इज इक्वल्स टू गुणा मिली एम्पीयर से अपॉन में 1000 ओके, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे अपने 1000 से, फोर पॉइंट फाइव अपॉन में 3.5 भाग अपने पास आएगा 8, वन माइनस 3 4.5 माइनस 8 ब्रैकेट वन माइनस की जाएगा डिवाइडेशन इज इक्वल्स टू गुणा 32 14 आ जाए तो 1 ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट में 4.5 भाग अपॉन में 8 ब्रैकेट बंद किया हमने, फिर से ब्रैकेट बंद किया और होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू गुणा 32 तो 6.12 ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास ए। अपने इसके इसके अंदर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करती, दोबारा से करते हैं कैलकुलेशन। आपको बताया कि IDS जो है सोर्स से ड्रेन की ओर जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है वो है IDSS ओके। VGS जो है सो गेट टू सोर्सेज वोल्टेज जो है वो पिंच ऑफ वोल्टेज वैल्यू, और VGS जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज ड्रॉप मान सकते हैं अपने ओके। इसके लिए ID जो फॉर्मूला रहता है सेम ही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि अपने क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम करती है। 4.5 अपॉन में 8 का स्क्वायर तो IDS जो का मान है 32 मिली एम्पीयर से, तो यहाँ पर 1 अपॉन में 1 करेंगे तो इसको 4 अपॉन में 5, इसका कैलकुलेशन करो आप, कैलकुलेशन से उत्तर आएगा 6.125 मिली एम्पीयर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट 38, शायद तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके अंदर एक यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के पास बेस के बीच 10 वोल्टेज है, बेस के बीच 10 वोल्टेज, यदि इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ वोल्टेज रेशियो आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात 0.65 तो पीएन जंक्शन में आगे वोल्टेज ड्रॉप 0.7 तो पीक पॉइंट वोल्टेज, ये अपने जो कर्व बनता है इसके अंदर FET के अंदर, ये स्टार्टिंग में लीकेज करंट की वैल्यू है, यहां से लिनियरिटी में बदलेगा उसके बाद में कम होता है,
ये जो पॉइंट होता है वो ये जो पॉइंट होता है ये पीक पॉइंट वोल्टेज रहती है, और ये जो होता है वैली पॉइंट वोल्टेज रहता है। ओके, तो ये अपने को ये वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम जो वैल्यू है अधिकतम से अधिकतम एक बार स्टार्टिंग में जाता है, उसके बाद में ओम के नियम का व्यवहार करता है, लिनियरिटी में जैसे जैसे था लोड बढ़ेगा उसके हिसाब से बढ़ता रहता है मान इसका। ओके, तो वोल्टेज बढ़ने के साथ इसका मान जो है बढ़ता रहता है। ओके, लिनियर में बढ़ेगा साथ में लिनियर। ओके, तो 10 वोल्टेज है अपने पास, 10 गुणा इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ अनुपात कितना है 0.65, तो अपने पास आएगा 6.5 वोल्टेज। वोल्टेज आ गई इतनी अपने पास, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी है जंक्शन के ऊपर, वो है 0.7। 0.+0.7 करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 7.2 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रकार का डाउट इसके अंदर, जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर रहता है इसके अंदर डबल, चलो ये क्वेश्चन एक बार आप आंसर इसका नोट करो, उसके बाद में यूजीटी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, तो इसको हटा रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके देख लेना आप। अब लिखते हैं यूजीटी के बारे में, और यहां पर एक डायोड की वैल्यू शो कर देते हैं। ये बेस वन है और ये बेस टू है अपने पास, ये एमीटर टर्मिनल्स रहता है और यही बेस टर्मिनल्स बेस वन है। ओके, और बेस वन और बेस टू के मध्य अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस रहता है अपने पास 5 से 10 किलो ओम्स, यानी कि 5,000 से 10,000 ओम के मध्य इसका रेजिस्टेंस रहता है। इसके अंदर दो बेस हैं, बेस वन और बेस टू, इसीलिए इसे ड्यूल बेस डायोड कहते हैं, दोहरा आधार डायोड कहते हैं। ओके, इसमें एक पीएन जंक्शन रहता है, इसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रहता है इसके अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसी में पढ़ते हैं आगे, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और ये पीक पॉइंट वोल्टेज से लेकर वैली पॉइंट वोल्टेज से आगे ओम्स लॉ का व्यवहार करता है। ओके, वैसे ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, अपने कहें तो ये ओम के नियम का व्यवहार नहीं करता, लेकिन पीक पॉइंट वोल्टेज से वैली पॉइंट वोल्टेज के आगे का जो कर्व रहता है वो ओम के नियम के व्यवहार के समान चलता है। ओके, तो जो अपने पास ये एफईटी यूजीटी जो रहती है ये एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए यूज की जाती है, एससीआर की ट्रिगरिंग के लिए, मोटर स्पीड कंट्रोल के अंतर्गत यूज होती है, तापमान नियंत्रण में होती है, टाइमर के अंदर, खास करके याद रखना भी टाइमर में यूज होती है। ओके, अभी अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7.2। तो अपने पास जो वो बेस पर वोल्टेज है वो 10 वोल्टेज है। ओके, और इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ जो रेशियो रहता है तो वो है 0.65, तो अपने मल्टीप्लाई करेंगे इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो से तो ये आ जाएगा 6.5। ओके, तो पीएन जंक्शन में आगे वोल्टेज ड्रॉप है अपने जो पास 0.7, तो वोल्टेज ड्रॉप को तो ऐड ही करेंगे, मेन वोल्टेज निकालने हैं तो पीक पॉइंट वोल्टेज। ओके, तो 0.7 ऐड करने से अपने पास आंसर आ जाएगा 7.2। 7.2 ऑप्शन नंबर रहेगा डी, और इसका अगर सिंबल बनाए, ये है यहाँ पर तीर का निशान, ये मीटर्स और ये बेस टू, ये अपने पास रहता है बेस वन। ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे 39 नंबर, वन सेकंड के लिए वेट करो आप,
ओके दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बढ़िया क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। एट कक्षा से आप पढ़ रहे हो बुलियन अलजेब्रा, तो इतना तो आ रही है वो होगा आपको। तो इसके अंदर आपने जो इक्वेशन दी है वो है ए बी और सी प्लस। नहीं यार, ये क्वेश्चन इसके अंदर सही नहीं लिखो, अपने चलते हैं मेन क्वेश्चन पेपर पर। ओके, अब इसके अंदर क्या है, ए प्लस, करते हैं इसका सोल्यूशन। ए प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई में रहता है यार, ए बी की बार रहती है और सी प्लस ए बी और सी का बार। इसके अंदर क्या इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले कॉमन वर्ड्स कौन से हैं उनको निकालो। कोई ये नहीं भी मैं पहला दूसरा ले रहा हूँ, आप पहला तीसरा भी ले सकते हैं, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अपने लेते हैं कॉमन, ए इन दोनों के अंदर कॉमन है, सी इन दोनों में सेम है, तो अपने लिखेंगे ए और सी, ब्रैकेट में लिखेंगे सी, सी तो अपने लिख ही लिया, ब्रैकेट में लिखेंगे बी प्लस बी का बार। ओके, और यहां पर लगाएंगे प्लस और ये आगे वाली इक्वेशन सेम लिख देंगे, ए बी सी का बार। ओके, तो बुलियन अलजेब्रा के अंदर फंक्शन रहता है बी प्लस बी बार होगा, तो इसका मतलब है वन है आउटपुट। ओके, तो इसका मतलब है वन, तो अब अपने इक्वेशन लिखेंगे ए सी प्लस ए बी और सी का बार। ओके, तो इसमें आगे सॉल्यूशन करो आप। इन दोनों के अंदर अपने को कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ए ब्रैकेट में सी प्लस सी प्लस बी और सी का बार। अब अपने ये इक्वेशन बनी है ए ब्रैकेट में सी प्लस बी सी। ओके, तो अब जोर्सन थ्योरम रहता है, एब जोर शन एब्जॉर्प्शन थ्योरम, इसके अनुसार क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई और यहाँ पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब अपने आउटपुट मिलेगा एक्स प्लस वाई। ओके, अगर इक्वेशन के अंदर एक्स की बार प्लस एक्स और वाई लिखा हुआ है तो इसका अपने को आउटपुट मिलेगा एक्स बार प्लस वाई। ओके, तो अपने इन दोनों में से मैच कर रहा है ये एक्स, अपने माना सी को, और यहां पर एक्स है सी, तो यहां पर सी का अपोजिट बार आ गई एक्स का बार, और वाई अपने पास अलग है, तो इसका मतलब हो गया एक्स प्लस वाई यानी कि बी प्लस सी। तो अपने पास बना ए, ब्रैकेट में बनेगा बी प्लस सी। ये आप देखो क्वेश्चन में किसके अंदर है, आंसर आपको मिल गया होगा शायद। कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, दोबारा सॉल्यूशन करवा देंगे, एक बार तो अभी करवा दूंगा मैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसको दोबारा रिवाइज के तौर पर, वैसे आगे तीन चार एक क्वेश्चन और है ऐसा। अपने पास है ए ए बी और सी प्लस ए बी और ए बी सी पूरा लिख लेते हैं, इसके बाद में लगाएंगे बार इन पर सी, इसमें बी पर है और इसमें सी के ऊपर बार है। तो अपने को क्या इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले कॉमन वर्ड्स को निकालना होता है। पहले मैंने इन दोनों के अंदर कॉमन लिया था ए और सी को, अब की बार कॉमन लूंगा मैं इस थर्ड के अंदर से। सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने, प्रॉपर वे में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा अपना। अभी अपने इसके अंदर कॉमन क्या है, ए
और बी कॉमन है। ब्रैकेट में मिलेगा सी प्लस सी, सी प्लस सी का बार और अपने लिख देंगे बाहर प्लस ए बी और सी। ओके सी एक्स प्लस एक्स बार अपना इक्वल एक के रूप में रहता है बुलियन अलजेब्रा के अंदर, बुलियन के अंदर। तो अभी अपने लिखेंगे ए बी प्लस ए बी का बार और सी। कॉमन वर्ड अपने को इसके अंदर क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ओनली सिर्फ ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है तो ए यहाँ पर भी है, बी दोनों में सेम नहीं है और इसमें सी पहले में सी है ही नहीं। तो अपने कॉमन वर्ड मिला ए, ब्रैकेट में लिखेंगे बी प्लस बी का बार और सी। अभी आपको जस्ट बताया एब्जॉर्प्शन दो थ्योरम रहता है अपने पास, इसके अंदर ये कहता है कि एक्स का एक्स प्लस एक्स बार वाई जो रहेगा एक्स प्लस वाई के इक्वल रहता है, एक्स बार प्लस एक्स वाई रहेगा उसके अंदर एक्स प्लस वाई रहेगा। तो अभी अपने पास इसके अंदर लिख के बता देता हूँ, एक्स प्लस एक्स बार वाई रहेगा, इसका मीनिंग है भी एक्स प्लस वाई होगा। ओके ये थ्योरम है एब्जॉर्प्शन थ्योरम। ओके और इसके अंदर रहता है एक्स बार प्लस एक्स और वाई, तो इसके अंदर अपने इसका मीनिंग निकलेगा एक्स एक्स ये लिया इसकी बार ली प्लस और वाई। अभी अपने पास ये थ्योरम लागू करेंगे तो अपने को मिलेगा ए ब्रैकेट में बी प्लस सी। ये ऑप्शन किसके अंदर है आप भली बंदी जानते हो, ऑप्शन नंबर ए।